यूपी में पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी बदमाश बेलगाम नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव के ऋषि नगर का है, जहां दिन दहाड़े खौफनाक हत्याकांड से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर नाबालिग भाई बहन को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त घर में भाई बहन दोनों अकेले थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और दोनों बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। बच्चों की हत्या की खबर से माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुलासा करने के लिए 5 टीम गठित की हैं। एक टीम गंगाघाट के कोतवाल और दूसरी अचलगंज के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में बनाई गई है। आज ये दोपहर जो है करीब 1 बजे के बाद है, इनकी माँ घर से चली गई थी हॉस्पिटल और इनके पिताजी जो है ये प्राइवेट जॉब में बाहर गए हुए थे। तभी करीब 1:30 और 2 के बीच में कुछ अज्ञात लोग आए और यहाँ पर एक इनकी बच्ची थी और एक छोटा लड़का था करीब 2.5 साल का, जिनका जो है धारदार हथियारों से जो हमला करके इनकी हत्या कर दी गई है। इसमें स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारी, हम यहाँ तक कि हम और डीएम साहब और सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी किया है और बहुत जल्दी हम लोग घटना का खुलासा करेंगे और कार्रवाई करेंगे। फिलहाल दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है। लेकिन इस डबल मर्डर की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह की रिपोर्ट।